नमस्ते उंटी प्रोग्रामर्स। तो आज हम इस वीडियो में 2D टेट्रिस गेम बनाने वाले हैं यूनिटी इंजन का यूज़ करके। तो यहाँ पे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि टेट्रिस गेम जो है वो एक्चुअल में कैसा है एंड कैसे ये वर्क करता है। बचपन में हम सब ने ये गेम बहुत खेला है, सो आई थॉट हमें यहीं से शुरुआत करनी चाहिए अपने गेम्स बनाने की, सो दैट ये गेम्स हमने खेला है तो हमें इसके बारे में पता भी है कि इसमें जो है 7 डिफरेंट ब्लॉक्स हैं और टेट्रोमिनोज हैं एंड जब वो एक दूसरे को कोलाइड करते हैं सिंपली तो वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे अटैच्ड होते जाते हैं एंड ये ऐसे ही करते करते लाइंस भी क्रिएट करते हैं। जैसे ही लाइन एक क्रिएट होती है वो सिंपली डिस्ट्रॉय हो जाती है एंड अगर आप अप की को अपने प्रेस करते हो तो सिंपली वो रोटेट करते हैं, अपने शेप को चेंज भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो 5-6 चीज़ें हैं हमारे टेट्रिस गेम में ये ध्यान रखने वाली है। सो इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले हमें बैक आना है एंड नया सीन क्रिएट करना है, क्रिएट पे जाना है, न्यू सीन पे क्लिक करना है एंड उसे नाम देना है टेस्ट टेट्रिस एंड देन एंटर करना है एंड नाउ अब आपको क्या करना है, हमें जो है इस पर डबल क्लिक करना है एंड अपने टेस्ट टेट्रिस को खोलना है। मैंने ऑलरेडी एक सीन पे काम किया है इसमें तो इसलिए मैं एक नया सीन बिल्कुल फ्रेश जो है प्रोजेक्ट वो यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ। तो नाउ यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया है, अब हमें क्या करना है अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा एडजस्ट करना है। आप चाहे अगर आपने नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया है गाइस तो आपको कोई नया सीन बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सैम्पल सीन में भी काम कर सकते हैं। सो नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें ब्लॉक्स बनाने हैं मीन्स टेट्रोमिनोज बनाना है। तो उसके लिए आपको 2D पे क्लिक करना होगा, हमें 2D व्यू चाहिए। सो नाउ सब कुछ सेट हो गया है, देन अब क्या करना है आपको, हमें ब्लॉक्स को क्रिएट करना है, ठीक है। तो टेट्रिस ब्लॉक्स को क्रिएट करने के लिए हमें एसेट्स में आना है एंड हमें एक फोल्डर क्रिएट करना है यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है, क्रिएट पे जाना है एंड एक फोल्डर पे क्लिक करना है। नाउ इसे नाम देना है ब्लॉक्स, परफेक्ट, सेव एंड नाउ इसे ओपन करना है एंड हमें जो है ब्लॉक्स क्रिएट करना है। तो उसके लिए अगेन राइट क्लिक, क्रिएट एंड स्प्लिट पे जाना है हमें। स्प्लिट्स पे हमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं लेकिन हमें स्क्वायर को चूज़ करना है। इसे आप रीनेम भी कर सकते हैं बट हम इसे रीनेम नहीं करेंगे, हमें इसे स्क्वायर ही रहने देंगे। सो SQUARE स्क्वायर एंड एंटर। नाउ इसे सेव करना है एंड नाउ इसे जो है क्लिक करना है एंड ड्रैग करना है हमें अपने सीन में। सो जस्ट सेलेक्ट एंड ड्रैग हियर, बट अभी हमें जो है पहले कैमरे को थोड़ा एडजस्ट करना होगा। हमारे कैमरे की सेटिंग्स बिल्कुल ठीक है, सो नाउ थोड़ा सा सीन को एडजस्ट करते हैं। जूम इन, अगर आप माउस की थर्ड बटन को जूम इन करना चाहते हैं तो आगे साइड प्रेस करते हैं, बैक इन करना चाहते हैं तो बैक साइड। नाउ इसे आपको ड्रैग करना है, क्लिक करना है, ड्रैग करना है अपने सीन में। नाउ यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा क्यूब है और स्क्वायर है वो ऐड हो गया है। नाउ अब हमें क्या करना है, इसका डुप्लीकेट क्रिएट करना है। डुप्लीकेट बनाने से पहले हमें इसकी पोजीशन को 000 पे रखना है। गाइस ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जो वैल्यू है एक्स वाई और जेड की उसे तीनों को 000 ओरिजिन पे रखना है। नाउ अब हमें इसका डुप्लीकेट बनाना है बिकॉज हमें टी शेप का फॉर्म करना है ब्लॉक। तो उसके लिए सिंपली इसे चूज़ करना है आपको, सॉरी सेलेक्ट करना है। नाउ आपको कंट्रोल डी प्रेस करना है तो ये आपका सिंपली डुप्लीकेट हो जाएगा आपके ऑब्जेक्ट का। सो नाउ ये डुप्लीकेट हो गया। नाउ अब मूव टूल को सेलेक्ट करना है एंड नाउ बैक साइड सिंपली से मूव करना है लेफ्ट साइड में। इसे इतना मूव करना है कि जो इनके बीच का गैप है वो ना दिखे। नाउ अगेन कंट्रोल डी एंड नाउ अब इसे जो है राइट साइड मूव करना है। सो थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं इसे, परफेक्ट, ओके, वन मोर, ओके। नाउ अगेन आपको कंट्रोल डी करना है स्क्वायर पे जाके एंड अब इसे जो है मिडिल से अप साइड के ऊपर, अप साइड जो है वो मूव करेंगे यहाँ पे। सो ये आपको नाउ अब कुछ उल्टा टी लग रहा है बट ये टी शेप ही है। अब हमें क्या करना है, एक
इन सबको सेलेक्ट करना है, पोजीशंस देखनी है कि इन सबकी पोजीशंस क्या है. सो इनके बीच का जो गैप है वो सही डिस्टेंस में है. तो ये वैल्यू है -0.97, इसकी वैल्यू है 0.935. तो इस वैल्यू को हमें लेफ्ट वाली वैल्यू जो है -0.987 इसके बराबर लाना होगा. तो जो चारों जो हमारे क्यूब उनके बीच में जो गैप होगा, लाइन बनेगी, वो इक्वल होनी चाहिए. तो नाउ अगेन हमें इसकी वैल्यू को सिंपली यहाँ से कॉपी करना है. माइनस को छोड़ के कॉपी कीजिएगा. सो वेट अ मिनट, बैक लेफ्ट चूज एंड इसे कॉपी करना है. ओके परफेक्ट, कंट्रोल सी कॉपी. एंड नाउ इस वाले को चेक करना है एंड वैल्यू को डिलीट करना है एंड पेस्ट करना है. सो ये जो है अब अपनी सही पोजीशन पे. अब तीनों क्यूब्स के जो यहाँ पे पोजीशन इन दोनों की वो इक्वल है, पॉजिटिव नेगेटिव का अंतर है. एक इम्पटी गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जिसके अंदर हम अपने टी शेप जो हमने फॉर्म किया है उसे स्टोर कर सकें. तो उसके लिए आपको राइट क्लिक करना है सबसे पहले यहाँ पे एंड क्रिएट इम्पटी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है एंड इसे रीनेम करना है. तो इसे हम जो नाम है आप कोई भी नाम दे सकते हैं. तो हमने टी शेप फॉर्म किया इसलिए हम टी ब्लॉक्स भी कह सकते हो आप, और आप सिंपली टी टेट्रोमिनो भी कह सकते हो. जो भी आपको नाम देना है वो आप इसे नाम दे सकते हैं. नाम देने के बाद उसकी पोजीशन को हमें 000 पे सेट करना है, ओरिजिन पे. एंड देन उसके बाद स्क्वायर्स को हमें सेलेक्ट करना है एंड अपने टी टेट्रोमिनो के अंदर असाइन कर देनी है इन चारों स्क्वायर्स को. मतलब हमें पेरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है टेट्रोमिनो का, ठीक है. तो हमने यहाँ पे मिस कर दिया. अगेन हमें इसे सेलेक्ट करना है. नाउ सेलेक्ट एंड ड्रैग इनटू टी टेट्रोमिनो. तो यहाँ पे जो हमने सक्सेसफुली ये काम कर लिया है, नाउ यहाँ पे दे सकते हैं. जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये चारों आपको इसके अंदर शो होंगे. सो नाउ अगर आप टी टेट्रोमिनो को मूव करेंगे तो ये चारों ब्लॉक्स आपके एक साथ मूव करेंगे. नाउ अब आपको क्या करना है, इन चारों को सेलेक्ट करना है एंड हमें इसे कलर चेंज करना है. सो कलर पर क्लिक करना है हियर एंड नाउ यहाँ पर आपको विंडो मिलेगी. हमें इसे रेडिश बनाना है, कोई भी कलर आप दे सकते हो. तो मैंने इसे सिंपली रेड कलर दिया है. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बिल्कुल टी शेप का लग रहा है. तो इसे क्रॉस करते हैं हम. अब हमें अपने इस टेट्रोमिनो को और ब्लॉक को लेफ्ट और राइट मूव कराना है. तो उसके लिए आप ऐड कंपोनेंट पे क्लिक कर सकते हैं यहाँ पे एंड यहाँ से आप स्क्रिप्ट को सर्च कर सकते हैं, नई स्क्रिप्ट क्रिएट कर सकते हैं, और सिंपली आप एसेट्स पे आ सकते हैं यहाँ पे. एंड नाउ विंडो में जब आप राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे, सिर्फ आप स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रिप्ट क्रिएट हो जाएगी. आप इसे कोई भी नाम दे सकते हैं, बट हम यहाँ पे जो है अपने टेट्रिस गेम के लिए क्रिएट कर रहे हैं तो मैंने इसे भी नाम दिया है टेस्ट टेट्रिस. ओके, सो नाउ जो हमारी टेट्रिस स्क्रिप्ट है उसे असाइन करना है हमारे टी टेट्रोमिनो में. नाउ देन अब जो है आपको क्लिक करना है एंड ओपन करना है. ओके परफेक्ट, हमारी स्क्रिप्ट जो है वो खुल गई है. ओके गाइस, सो हमें जो है चाहिए कि जब हम लेफ्ट की को प्रेस करें तो हमारी जो है लेफ्ट की प्रेस हो, जब राइट की को प्रेस करें हम अपने कीबोर्ड की तो वो राइट की तरफ जो हमारा ब्लॉक है मूव करें. तो की को एसेस करने के लिए हमने छोटा सा फंक्शन क्रिएट किया है कि इफ़ इनपुट डॉट गेट की डाउन की कोड जो लेफ्ट एरो है सिंपली उसका नाम. यहाँ पे आप लेफ्ट एरो की जगह राइट एरो भी लिख सकते हैं अगर आपको राइट एरो पहले एसेस करना है. तो हमने सिंपली यहाँ पे लेफ्ट एरो लिखा है एंड देन हम जो है अपने ब्लॉक्स की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट राइट मूव करा रहे हैं. तो पोजीशन को हमें एसेस करना होगा ट्रांसफॉर्म में. तो इसलिए हमने लिखा है ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन प्लस इक्वल टू का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन इक्वल टू ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन प्लस न्यू वेक्टर 3. वेक्टर 3 को हम इसलिए एसेस कर रहे हैं बिकॉज वेक्टर 3 के थ्रू ही हम एक्स वाई जेड की वैल्यू को एसेस कर पाएंगे. तो पोजीशन चेंज हो रही है तो एक्सिस की वैल्यू भी चेंज होगी. तो हमें लेफ्ट मूव कराना है तो इसलिए हमने -1 लिया है. नाउ सिंपली इसे कॉपी पेस्ट करते हैं राइट के लिए. राइट के लिए भी सिंपली हमें यही करना है. यहाँ पे लेट मी क्रॉस दिस, सॉरी गाइस. नाउ अब इस वैल्यू को जो है हमें पॉजिटिव कर देना है. सो ये राइट के लिए हो गया एंड ऊपर वाला लेफ्ट के लिए. सो बैक आते हैं अपने यूनिटी में. नाउ ओके गाइस, सो लेफ्ट एंड यस राइट, परफेक्ट गाइस, हमारा ये परफेक्टली वर्क कर रहा है.
अब हमें जो है वर्टिकल मूवमेंट करना है, मतलब कि ब्लॉक्स है वो जो है ऑटोमेटिकली ऊपर से नीचे के साइड जो है वो फॉल हो, और जब आप नीचे की डाउन की को प्रेस करो तो उसमें जो है जब वो नीचे आए तो उसमें स्पीड ऐड हो जाए। तो वो आप कैसे करेंगे ये, तो उसके लिए अगेन आपको बैक आना है एंड यहाँ पे जो है आपको एक फंक्शन अगेन क्रिएट करना होगा। यहाँ पे हमें लिखना होगा एल्स इफ, अगर ऊपर वाला फंक्शन काम करता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरी वाली कंडीशन चेक होगी, फिर जो है तीसरी कंडीशन चेक होगी। ठीक है, तो अगेन हमें उसके लिए क्या करना है, वर्टिकल मूवमेंट के लिए जो है दो फ्लोट वेरिएबल क्रिएट करना है। तो पब्लिक फ्लोट प्रीवियस टाइम, सिंपली जल्दी से हम स्क्रिप्ट यहाँ पे लिख देती हूँ मैं फंक्शन, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि एक्चुअली मैं हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने दो फंक्शन क्रिएट कर लिए हैं 0.8f, 8f जो है आपका फ्लोट वैल्यू को समझा रहा है कि f जो है वो आपकी फ्लोट वैल्यू है। दो फंक्शन ने क्रिएट किए हैं, प्रीवियस टाइम और फॉल टाइम। ठीक है, सो नाउ अब इस फ्लोट वेरिएबल जो हमने क्रिएट किया है उसे एसेस करने के लिए हम यहाँ पे अगेन एक फंक्शन लिखेंगे। तो सिंपली हमें यहाँ पे लिखना है, तो सिंपली यहाँ पे ये हो रहा है कि जो आपका टाइम डॉट टाइम है वो आपका करेंट टाइम है, प्रीवियस टाइम है वो जब आपके ब्लॉक्स जस्ट नीचे के साइड मूव करेंगे उसके पहले का टाइम, और फॉल टाइम जब आपका ब्लॉक्स जो है वो नीचे के साइड मूव कर रहा है। जब आप प्रेस प्ले करोगे तो सिंपली जब आपका ब्लॉक जो है वो नीचे के साइड मूव करते रहना चाहिए ऑटोमेटिकली बिना किसी की के। तो उसके लिए हमने यहाँ पे फंक्शन क्रिएट किया है, दो वेरिएबल लिए हैं ऊपर प्रीवियस टाइम और फॉल टाइम। फॉल टाइम जो है 0.8f बाय डिफॉल्ट हमने जो है वो फिक्स कर दिए। नाउ ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन प्लस इक्वल टू न्यू वेक्टर 3 है, नीचे के साइड मूव कराना है तो अगेन हमें लिखना होगा 0, -1, 0, -1, 0। सो एंड जो प्रीवियस टाइम है उसे एज अ टाइम डॉट टाइम इक्वल करना होगा, हमें सेव करना होगा। तो करेंट टाइम नहीं गाइस, हमें जो है सिंपली यहाँ पे लिखना है टाइम डॉट टाइम। ओके, सो परफेक्ट एंड सेमीकोलन। बैक आते हैं, अब देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। ओके, सो लेफ्ट राइट एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं गाइस जो हमारा ब्लॉग है वो ऑटोमेटिकली जो है वो नीचे के साइड वो मूव करता जा रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं गाइस। एंड नाउ अब हमें क्या करना है कि जब हम किसी की को प्रेस करें तो इसकी स्पीड में जो है वो इंक्रीमेंट हो जाए एंड जब प्रेस करें तो वो नीचे के साइड मूव करे। तो यहाँ पे जो हमने फंक्शन लिखा है उसका मतलब ये है कि जब आप की को प्रेस करोगे तो फॉल टाइम जो है वो 10 से डिवाइड हो जाएगा और स्पीड में जो है वो आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। एंड अगर आप डाउन की एरो को प्रेस नहीं करते हो तो सिंपली आपको फॉल टाइम की वैल्यू बाय डिफॉल्ट जो आपने फिक्स की है, जो आपको मिल रही थी पहले, सिंपली वही मिलेगी। ओके, तो ये फंक्शन इस तरह से काम करने वाला है, अगर आप की प्रेस करोगे तो सिंपली उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, अगर आप की नहीं प्रेस करोगे तो फॉल टाइम जो आपकी पहले वैल्यू मिल रही थी सिंपली ऑटोमेटिकली वो नीचे के साइड मूव कर रहा था वो आपका सिंपली मूव करता जाएगा। सो नाउ अब यहाँ पे हम बैक आते हैं, हमें एक एरर मिला है गाइस, जो एरर है वो आपका 31 लाइन में है हमें। ओके, तो हमने सॉरी पैरेंथेसिस नहीं लगाया था, हमने एक जो पैरेंथेसिस ब्रैकेट है वो कम लगाया था, तो हमें वो लगाना था, हमने वो लगा दिया। नाउ जस्ट प्रेस प्ले, नाउ लेफ्ट राइट एंड डाउन साइड जब आप की को प्रेस करेंगे तो वो उसमें स्पीड आ जाएगी सिंपली, यहाँ से आप देख सकते हैं गाइस। तो ये हमारा जो है फंक्शन ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। सो हमारा स्टेप जो 1 है वो कंप्लीट हो गया है, हमारा जो ब्लॉक है वो लेफ्ट राइट कंप्लीटली मूव कर रहा है, डाउन साइड भी ऑटोमेटिकली मूव कर रहा है एंड प्रेस करने पे उसमें स्पीड भी ऐड हो रही है। सो परफेक्ट गाइस, ये हमारा परफेक्ट वर्क कर रहा है। सो नाउ स्टेप 2 ये है कि जो आपका ये ब्लॉक है वो जब मूव कर रहा है तो वो कहीं भी मूव कर जा रहा है, तो हमें कहीं भी मूव नहीं कराना है, हमें सिंपली उसके लिए इसमें ग्रिड को ऐड करना होगा।
बट ग्रिड को ऐड करने से पहले हमें सारे स्क्वायर्स को जो है सेलेक्ट करना है एंड इसकी साइज़ को थोड़ा छोटा करना है ताकि ये देखने में अच्छा लगे। सो जस्ट ड्रैग इनसाइड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं गाइस, जो इसकी बीच में लाइन बन रही है वो चारों में इक्वल है, तो इसीलिए हमने कहा था कि पोजीशंस को हमेशा ध्यान रखिएगा एंड टीजर वैल्यू लीजिएगा। सो अब आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है एंड हमें अब एक ग्रिड को क्रिएट करना होगा जिसमें ग्रिड के अकॉर्डिंग ही आपका क्यूब मूव करे। तो अब ग्रिड को क्रिएट करना है तो सिंपली यहाँ स्क्वायर को सेलेक्ट करना है एंड ड्रैग करना है एंड इसकी एक्स और वाई जो वैल्यू है उसे चेंज करनी है, बट पोजीशन को हमें पहले ओरिजिन पे करना है यहाँ पे 0 0 0। नाउ स्केल जो है एक्स और वाई को इंक्रीज करना है, तो एक्स को 10 रखना है एंड ओके एंड वाई को जो रखना है 20 रखना है हमें, बिकॉज हमें वाई को बढ़ाना है जेड को नहीं। सो यहाँ पे जो है हमारी ग्रिड क्रिएट हो गई है, तो ये जो है आपका एक सरफेस की तरह काम कर रहा है कि इसी सरफेस के अंदर, इसी बॉर्डर के अंदर जो है आपका क्यूब वो सिंपली जो है वो मूव करेगा, जितने भी ब्लॉक्स हैं आपके इसके बाहर आपके ब्लॉक्स मूव नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेते हैं एंड नाउ अब यहाँ पे जो है हमारा ब्लॉक्स नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए हमें ऑर्डर इन लेयर पे -1 वैल्यू देनी होगी, सो दैट ये थोड़ा पीछे के साइड शिफ्ट हो और जो हमारा ब्लॉक्स है बाकी के जो तीन क्यूब है वो दिखे। तो ऑर्डर इन लेयर में -1। सो नाउ यहाँ पे आप देख रहे हैं हमें तीनों जो ब्लॉक्स हैं वो भी दिखने लगे हैं। सो नाउ ये आपका सेट हो गया है। सिंपली जो स्क्वायर है इसे जो है हमें रीनेम करना है। सबसे पहले इसका कलर चेंज कर लेते हैं, कोई भी कलर आप इसे दे सकते हैं, तो सिंपली मैं इसे ब्लैक देती हूँ बिकॉज मुझे डिसेंट लगता है ये कलर। ओके, तो सबसे पहले गाइस हमें ये काम करना है कि जो ग्रिड है उसको ओरिजिन पे सेट करना है। ओरिजिन पे सेट करना है मतलब जो हमने ये ब्लॉक अपना क्रिएट किया था ये ओरिजिन पे था, बट जो ग्रिड है उसकी साइज बढ़ने की वजह से अब वो ओरिजिन पे नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, इस ग्रिड को जो हमारे इस टेट्रोमिनो का जो मिडिल वाला क्यूब है उस पे आपको सेट करना है। तो मूव टूल को सेट करना है एंड इसे अपसाइड मूव करना है एंड इसे मिडिल क्यूब के पास लेके आना है, सो दैट ये जो है ओरिजिन पे शिफ्ट हो। हम लोग बार बार इंटीजर वैल्यू को ही क्यों ले रहे हैं, बिकॉज गाइस जब आप इसमें कैलकुलेशन करते हैं अपने अपने ब्लॉक्स को ऊपर नीचे मूव कराने के लिए उसमें काम आता है, एंड सेकेंड बिकॉज जो आपके ब्लॉक्स हैं वो पॉजिटिव वैल्यू पे ही जो है वो आपको अप साइड और डाउन साइड लेफ्ट राइट मूव करेंगे। यहाँ पे जो एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आपने मैथ तो सभी ने पढ़ा है थोड़ा बहुत, तो लॉजिक ये है कि ये जो वैल्यू है एक्स की वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव रहने वाली है एंड वाई की भी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। नीचे के साइड आप करोगे तो सिंपली आपको माइनस में वैल्यू मिलने लगेगी, तो माइनस में वैल्यू हमें नहीं लेनी है, तो इसलिए हमने इसे ओरिजिन पे सेट किया 0 0 0। सो टेट्रोमिनो को सेलेक्ट करना है एंड इसे अपसाइड जो है मूव कराना है इस ग्रिड के अंदर, तो सेलेक्ट कीजिए एंड सिंपली इसे मूव कीजिए अपसाइड हियर एंड जो उसकी वैल्यू है उसे जो है हमें यहाँ पे इंटीजर रखना होगा। सो इसे थोड़ा सा जूम इन करते हैं एंड यहाँ से 4.27 को बेसिकली 4 कर देते हैं एंड 16.53 को 16 सिर्फ कर देते हैं, ठीक है। ओके, सो ये जो है हमारी एक इंटीजर वैल्यू पे सेट हो गया है एंड नाउ जो कैमरा है हमारा उसे भी सेट कर देते हैं सो दैट हमें गेम व्यू में सही से दिखे। सो इसे सेलेक्ट करते हैं एंड इसे भी ऊपर की साइड ड्रैग करना होगा। सो इसे थोड़ा सा मिडल में लेके आते हैं, जस्ट ड्रैग अ लिटिल बिट मोर। ओके, नाउ अब जो प्रोजेक्शन है उसे हमें चेंज करना है ऑर्थोग्राफिक्स पे एंड जो इसकी साइज़ है उसे चेंज करनी है, तो सिंपली इसे इंक्रीज करना होगा। सो जस्ट इंक्रीज अ लिटिल बिट मोर 11 12। ओके, सो 12 ठीक है। सो नाउ
अब आपको क्या करना है, इसका बैकग्राउंड का जो कलर है वो अब जो है थोड़ा सही नहीं लग रहा, तो उसे चेंज करते हैं। तो उसके लिए आपको आना है स्काई बॉक्स पे, सॉलिड कलर पे जाना है एंड यहाँ से आपको कलर पे क्लिक करना है, कोई भी कलर आप दे सकते हैं। तो मैंने इसे हल्का स्काई ब्लू दिया है बिकॉज मुझे जो है ये थोड़ा ठीक लग रहा था, सो आप कोई भी कलर दे सकते हो। तो नाउ यहाँ पे जो हमने सेट कर लिया है, तो ये हमारी जो ब्लैक बॉर्डर हमने क्रिएट किया है कि इसी के अंदर जो है हमारा टेट्रोमिनो वर्क करे, तो इसके लिए हमें जो है अपनी स्क्रिप्ट में वापस जाना होगा। अब जो है हमें दो स्टैटिक वेरिएबल लेना होगा अपने ब्लॉक्स को ग्रिड के अंदर मूव कराने के लिए। जो हाइट और विड्थ हमने अभी क्रिएट की है अपने ग्रिड की, एक्स इक्वल टू 10 और वाई इज इक्वल टू 20, तो उसे जो है यहाँ पे वेरिएबल में चेंज करना होगा, पब्लिक स्टैटिक इंटीजर हाइट इक्वल टू 20 एंड सेम ये चीज़ हमें विड्थ के लिए करनी है, पब्लिक स्टैटिक इंटीजर विड्थ इक्वल टू 10। सो नाउ नीचे आना है हमें, यहाँ पे लिखना है, अब हमें जो है यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करना होगा वैलिड मूव का, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक बूलियन फंक्शन क्रिएट करना है ट्रू और फॉल्स की कंडीशन। तो नाउ अब यहाँ पे लिखना है वैलिड मूव, वैलिड मूव के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा क्यों हमने यहाँ पे वैलिड मूव लिया है। कोई भी आप यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, जो भी आप नाम देना चाहें, तो मैंने वैलिड मूव दिया है। देन इसके अंदर हमें जल्दी से फॉर ईच का लूप क्रिएट कर लेना है बिकॉज हमें हर एक ब्लॉक की पोजीशन के लिए जो है लूप क्रिएट करना होगा। ओके गाइस, तो हमने यहाँ पे क्या किया, फॉर ईच के अंदर ट्रांसफॉर्म चिल्ड्रन इन ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ पे हमने क्या किया है गाइस, हर एक ब्लॉक की पोजीशन हमने यहाँ पे एसेस की है ट्रांसफॉर्म के थ्रू। चिल्ड्रन हम इसीलिए यूज़ कर रहे हैं, जो ट्रांसफॉर्म जो इंस्पेक्टर में ट्रांसफॉर्म के अंदर आपको पोजीशन रोटेशन और स्केल मिलता है, तो उसके अंदर जो है हम ट्रांसफॉर्म की वैल्यू को एसेस कर रहे हैं सारे ब्लॉक्स के लिए। सिंपली यहाँ पे लिखना है इंटीजर राउंडेड एक्स, सिंपली ये आपकी हो गई विड्थ, सो मैथ एफ, मैथ एफ जो है स्मूथ कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं मैथ एफ डॉट राउंड टू इंटीजर चिल्ड्रेन डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन डॉट एक्स। सेम ये चीज़ हमें वाई के लिए भी करनी है, मतलब हाइट के लिए भी, तो सिंपली इसे कॉपी करते हैं एंड नीचे पेस्ट करते हैं एंटर पेस्ट, ये चेक करेगा कि उसकी हाइट और विड्थ को, देन अगेन हमें यहाँ पे कंडीशन देनी होगी इफ, सिंपली इसका मतलब यही है कि भाई पहले जो जितनी भी पोजीशन है एक्स वाई ब्लॉक्स की पोजीशन है उसे चेक करेगा कि वो ग्रिड के अंदर है कि नहीं है, अगर किसी भी की साइज जो है वो ज़्यादा ही ग्रिड से, देन सिंपली आपको ये फॉल्स रिटर्न देगा एंड अदर फिर से वो चेक करेगा, वो फिर से सबको ब्राउज करेगा कि सबकी पोजीशन सही है कि नहीं, सही होगी तो सिंपली आपको वो रिटर्न ट्रू करेगा वैलिड मूव, तभी आपको वो सिंपली आगे मूव करेगा, अदरवाइज वो आपको आगे मूव नहीं करेगा। जो वैलिड मूव है इसे आपको कॉपी करना है एंड अपडेट के अंदर असाइन करना है, तो उसके लिए जो है हमें एक फंक्शन फिर से क्रिएट करना है। तो पहले हम इसे कॉपी करते हैं वैलिड मूव को एंड इनपुट डॉट लेफ्ट एरो के नीचे एंड यहाँ पे सिंपली इसके नीचे आपको आना है, यहाँ पे लिखना है इफ नॉट वैलिड मूव, देन हमें जो है ऊपर जो ये लिखा हुआ है लाइन इसे कॉपी करना है एंड पेस्ट करना है। ये जो है इसका मतलब ये है कि अगर आपकी जो ब्लॉक वैल्यू अगर ज़्यादा है बिगर देन है ग्रिड से, तो क्या करेगा, जो उनकी पोजीशन जितनी भी पहले हुई रहेगी, मतलब जितनी वैल्यू वो आगे बढ़ेगा उतनी वैल्यू आपको सिंपली पीछे कर देगा, तो इसके लिए हमने यहाँ पे जो है माइनस इक्वल टू लिखा है, जितना स्टेप वो आगे बढ़ेगा सिंपली वो उसे पीछे बैक करके बैलेंस क्रिएट करेगा यहाँ पे, इसलिए जो है हमने यहाँ पे इफ़ वैलिड मूव के अंदर ये कंडीशन दी, ठीक है। सो नाउ इसी चीज़ को आपको कॉपी करना है एंड यहाँ पे पेस्ट करना है एंड यहाँ पे जो है
सिंपली जो एक्स की वैल्यू है उसे पॉजिटिव 1 करना है, एंड सेम चीज़ हमें डाउन एरो के लिए भी करना है यहाँ पे, कॉपी एंड पेस्ट, एंड जो वैल्यू है उसे चेंज कर देना है सिंपली -1। सो परफेक्ट, लेफ्ट राइट यहाँ पे आप देख रहे हैं इस ग्रिड के अंदर ये जो हमारा ब्लॉक्स है, हमारे टेट्रोमिनो है, वो सिंपली ब्लॉक्स के अंदर ही मूव कर रहा है सक्सेसफुली। सो कंग्रेचुलेशंस गाइस, अगेन स्टेप 2 हमारा पूरा हो गया है। अब बढ़ते हैं हम स्टेप 3 की ओर, जिसमें हमें अपने ब्लॉक्स में रोटेशंस को ऐड करना है। मतलब जब हम अप की को मूव करें तो हमारे जो टेट्रोमिनो का शेप है वो चेंज हो। तो जो इसका कैलकुलेशन वो ऐसा है कि ये जब आप की को प्रेस करेंगे अप की को, तो वो 90 डिग्री मूव करेगा। तो उसके लिए अगेन आपको बैक आना है अपनी स्क्रिप्ट में, एंड यहाँ पे आना है, एंड इसके अंडर आपको एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करना है, एल्स इफ इनपुट डॉट गेट की डाउन। हमें अप की को एसेस करना है, तो उसके लिए सेम जैसे हमने लेफ्ट राइट एरो के लिए लिखा है ऊपर, सेम उसी तरह यहाँ पे भी लिखना है। ऐड करते हैं नाउ कर्ली ब्रैकेट एंटर। सो नाउ इसके अंदर हमें क्या लिखना है, ऊपर तो हमने ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन लिखा था बिकॉज हमें पोजिशन को चेंज करना था, बट यहाँ पे हमें रोटेशन को चेंज करना है अब की को जैसे ही आप प्रेस करोगे। सो हमें यहाँ पर लिखना है रोटेट अराउंड एंड पैरेंथिसिस, एंड पैरेंथिसिस के अंदर जो है हमें रोटेशन पॉइंट को एसेस करना है। सो रोटेशन पॉइंट कॉमा न्यू वेक्टर 3 एंड 0.0.1, बिकॉज हमें अपसाइड के लिए अपसाइड की को जो है एसेस करना है, तो उसकी जो पोजीशन है वो जेड पे 1 है। सो एंड एंगल जो है आपका वो यहाँ पे आपको देना है, कितने डिग्री एंगल आपको रोटेट कराना है, तो यहाँ पे 90। सो नाउ जब आप अप की को प्रेस करेंगे तो 90 डिग्री जो है रोटेशन आपको सिंपली हो जाएगा। एंड इसके अंदर भी जो है हमें इफ और वैलिड की कंडीशन देनी होगी, इफ वैलिड मूव, सिंपली कॉपी कीजिए इसे एंड पेस्ट, एंड अगेन ऊपर ही सेम लाइन को कॉपी करना है एंड नीचे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्म की स्पेलिंग हमने गलत लिखी है, सो ट्रांसफॉर्म सही कर लिया। नाउ कॉपी एंड पेस्ट, एंड अगेन 90 को -90 में चेंज करना होगा। सो नाउ बैक जाते हैं एंड सेव करते हैं अपनी स्क्रिप्ट को। सो यहाँ पे हमें एरर मिला है 37th में। सो 37th लाइन में जो एरर है वो ये है कि जो रोटेशन पॉइंट है वो लोकल पोजीशन चेंज हो रही है, बट हमें ग्लोबल पोजीशन चेंज करनी है, तो उसके लिए हमें जो है ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसफॉर्म को लिखना होगा, डॉट कैपिटल टी ट्रांसफॉर्म को लेना है। सो ये जो है आपकी ग्लोबल पोजीशन को शो करता है। सो ट्रांसफॉर्म पॉइंट, एंड देन अब हमें जो रोटेशन पॉइंट है वो यहाँ पे लिखना होगा। सो रोटेशन पॉइंट, सो नाउ अब जब आप अप की को प्रेस करेंगे तो ये सक्सेसफुली आपको 90 डिग्री रोटेट कर देगा। ओके, सो नाउ सिंपली इसे कॉपी करना है एंड नीचे वाली लाइन में भी इसे पेस्ट करना होगा। सो डिलीट पहले एंड देन पेस्ट। ओके, सो परफेक्ट। ओके, तो यहाँ पे जो है हमने अपने रोटेशन के लिए वेरिएबल नहीं क्रिएट किया था, इसलिए हमें दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पे आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना है, पब्लिक वेक्टर 3 रोटेशन पॉइंट। जो हमने वहाँ पे रोटेशन पॉइंट एसेस किया है उसके लिए हमने यहाँ पे वेरिएबल नहीं क्रिएट किया था। सो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सिंपली यहाँ पे देख रहे हैं आप, नाउ ये जो है रिलेट हो गया है आपका। तो यहाँ पे कैपिटल वी करना होगा आपको, वेक्टर बैक एंड नाउ प्रेस प्ले। सो लेफ्ट राइट सिंपली डाउन साइड मूव कर रहे हैं। नाउ अब की को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है सिंपली जो शेप है आपके टेट्रोमिनो का वो चेंज हो रहा है। टेट्रोमिनो 7 टाइप के होते हैं,
तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट शेप्स क्या हैं। तो 7 टाइप के जो टेट्रोमिनो है हमें उनको भी क्रिएट करना होगा। तो ये 7 वाला, तो इसके अलावा हमें 6 और क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले आपको इसको कंट्रोल डी करके सिंपली डुप्लीकेट करना है एंड शेप को चेंज करना है जैसे हमें पहले के लिए किया था। तो सबसे पहले हमें इसकी इंटीजर वैल्यू रखनी होगी 4 and 11 is 13। ओके, सो हमें क्या करना है, इसका नाम चेंज करना है एंड इसे हम ओ टाइप बोल सकते हैं। ओ टाइप का कुछ रहता है जो स्क्वायर बॉक्स बनता है। सो इसे आपको क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है एंड ड्रैग करना है यहाँ पे। सो जस्ट ड्रैग हियर अ लिटिल बिट मोर। ओके, सो नाउ अब थोड़ा सा अपसाइड। सो इसी तरीके से गाइस आपको बाकी के जितने टेट्रोमिनोज हैं उन्हें क्रिएट करने, उनके शेप को क्रिएट करने हैं। ओके, जो रोटेशन पॉइंट है आपका इसका, ये 0.5 होगा यहाँ पे, ठीक है। सो जो रोटेशन पॉइंट हमने वहाँ पे पब्लिक किया था अभी, सो सिंपली 0.5 and 0.5। तो इस तरह से जल्दी से बाकी के टेट्रोमिनोज आपको क्रिएट करने हैं। तो जल्दी से हम वो क्रिएट कर रहे हैं। ओके, सो कंग्रेचुलेशंस गाइस, हमने जो टेट्रोमिनो है वो सारे क्रिएट कर लिए हैं। एंड अब आपको क्या करना है, इन सारे टेट्रोमिनो पे क्लिक करना है एंड ड्रैग करना है अपने सीन में, सो आप इनका एक प्रीफैब क्रिएट कर सकें। सो जल्दी से कर लेते हैं ये। नाउ अब आपको क्या करना है, जितने भी टेट्रोमिनोज हैं उन्हें सेलेक्ट करना है एंड सिंपली उन्हें डिलीट करना है। सो नाउ अब हमें क्या करना है कि जब हम प्रेस प्ले करें तो जो हमारे टेट्रोमिनो है वो अपने आप ऊपर से नीचे की तरफ आए, तो उसके लिए हमें एक स्क्रिप्ट को क्रिएट करना होगा। सो राइट क्लिक करना है एंड शीशाप स्क्रिप्ट क्रिएट करनी है स्पॉनर की। नाउ यहाँ पे हमें एक गेम एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है एंड इसकी पोजीशन को जो है हमें इंटीजर वैल्यू देनी होगी। सो जस्ट ड्रैग अपसाइड 4 and 17। नाउ इसे नाम देना है स्पॉनर। अब इस गेम ऑब्जेक्ट में हमें स्पॉनर ब्लॉक्स की जो स्क्रिप्ट क्रिएट की है इसे ऐड करना है। सो जस्ट ड्रैग एंड ऐड। नाउ जस्ट ओपन इट। सो नाउ हमें चाहिए कि जब हम प्रेस प्ले करें तो जितने भी टेट्रोमिनोज हैं वो सारे के सारे अपने आप ऊपर से नीचे के साइड आने लगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। सो पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट टेट्रोमिनोज एंड नाउ हमें एक फंक्शन क्रिएट करना होगा अपने टेट्रोमिनोज के लिए। सो अपडेट को डिलीट करते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं void न्यू टेट्रोमिनोज। न्यू टेट्रोमिनो एक फंक्शन क्रिएट किया है, उसके अंदर हमने इंस्टेंटिएट टेट्रोमिनोज रैंडम डॉट रेंज, रेंज के अंदर हमने डिफाइन किया है अपने टेट्रोमिनो की रेंज को। सो वो जो है 7 है एंड जब शेप चेंज होगा तो वो कुछ भी हो सकती है, तो इसलिए हमने सिंपली टेट्रोमिनोज डॉट लेंथ लिखा है सो दैट वो जितने भी टेट्रोमिनोज हैं आपको उन सबको एसेस कर सके। एंड नाउ देन उनकी पोजीशन को और रोटेशन को भी एसेस करना है जब आप प्रेस प्ले करें अपने गेम को। सो ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन पोजीशन कॉमा। नाउ अब जो है हमें रोटेशन को एसेस करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना है क्वार्टर्नियन डॉट आइडेंटिटी। क्वार्टर्नियन हम रोटेशन के लिए यूज़ करते हैं। सो क्वार्टर्नियन डॉट आइडेंटिटी। सो जब आप प्रेस प्ले करेंगे तो सबसे पहले आपकी जो स्पॉनर ब्लॉक स्क्रिप्ट है ये आपकी कॉल होगी, देन उसके अंदर जो ये फंक्शन हमने क्रिएट किया है न्यू टेट्रोमिनो का ये कॉल होगा। हमें न्यू टेट्रोमिनो का जो फंक्शन है इसे कॉपी करना है एंड वर्ड स्टार्ट के अंदर पेस्ट करना है। सो जैसे आप प्रेस प्ले करेंगे तो सबसे पहले वर्ड स्टार्ट फंक्शन एक बार कॉल होगा न्यू टेट्रोमिनो एंड देन फिर आपका उसके बाद न्यू टेट्रोमिनो का फंक्शन सिंपली कॉल हो जाएगा।
क्वार्टर्नियन डॉट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी में जो है आपका आई गेस स्मॉल जो है आई रहेगा, के सो गेम ऑब्जेक्ट में हमने लिस्ट डिफाइन नहीं किए गाइस, यही हमारा जो सबसे बड़ी गलती थी वो ये थी सिंपली। अब आपको अपने जितने भी आपने यहाँ पे प्रीफैब क्रिएट किए हैं उसे सिंपली आपको क्लिक करके ऐड कर ड्रैग करके ऐड करना है। सो क्लिक ड्रैग एंड ऐड। सो इस तरह से आपने जितने भी अपने सातों के सातों जितने भी टेट्रोमिनोज और ब्लॉक्स हैं उन्हें ऐड कर दीजिए। नाउ जब यहाँ पे आपको वापस आना है अपने स्क्रिप्ट में डाउन साइड जाना है तो जो हमारे स्पॉनर की जो स्क्रिप्ट है उसे कॉल करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे आना है। हमें यहाँ पे सिंपली लिखना है दिस डॉट इनेबल, बिकॉज हमें जो है स्पॉनर ब्लॉक्स की स्क्रिप्ट को जो है इनेबल करना है। सो दिस डॉट इनेबल्ड इक्वल टू फॉल्स एंड देन हमें लिखना है यहाँ पे फाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप, टाइप में जो आपकी स्क्रिप्ट है उसका नाम लिखना है गाइस, यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा। तो मेरी स्क्रिप्ट का नाम जो है वो स्पॉनर ब्लॉक है एंड देन पैरेंथेसिस एंड इसके बाद जो है डॉट जो आपने फंक्शन क्रिएट किया है वहाँ पे न्यू टेट्रोमिनो का उसे आपको यहाँ पे लिखना है। सो न्यू टेट्रोमिनो मिनो को लिखना है, प्रेस प्ले। ओके गाइस, सो यहाँ पे हमने जो एक बहुत बड़ी गलती की है वो ये है कि हमने यहाँ पे लूप नहीं क्रिएट किया, हमने यहाँ पे सिर्फ लिख दिया बट लूप क्रिएट करना भूल गए। सो हमें इसे इफ कंडीशन के अंदर लिखना है। सो हियर अगेन, सो नाउ आई गेस अब ये काम करेगा बिकॉज हमारा टेट्रोमिनो स्पॉन तो हो रहा था, वो ऑटोमेटिकली नीचे तो आ रहा था बट वो एक जगह जाके अटक जा रहा था। सो बिकॉज हमने वॉयलेट मूव को कॉल नहीं किया था, सो नाउ अब जो है ये नीचे आने चाहिए। ओके सो नाउ ये अब हमारा काम कर रहा है गाइस, नीचे के साइड मूव भी कर रहा है ऑटोमेटिकली, लेफ्ट राइट भी जा रहा है एंड डाउन साइड। सो ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं गाइस। नाउ अब इसके बाद जो हमारा पांचवा स्टेप है वो ये है गाइस, जब वो एक दूसरे से कोलाइड करें सो वो एक दूसरे को क्रॉस ना करें, हमें ये काम अब इसमें ऐड करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, सो उसके लिए अब आपको क्या करना है अगेन वापस आना है। ओके सो नाउ यहाँ पे कोलिजन के लिए सिंपली हमें यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करना है। सो पब्लिक स्टैटिक ट्रांसफॉर्म कॉमा ग्रेड इक्वल टू न्यू ट्रांसफॉर्म और न्यू ट्रांसफॉर्म। सो एंड हमें इसके अंदर जो है विड्थ और हाइट को एसेस करना है। सो विड्थ और हाइट, नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है एक एड टू ग्रिड की यहाँ पे कंडीशन देनी होगी। सो उसके लिए हमें लिखना है void add to grid, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे add to grid दिया है एंड इसके अंदर भी जो है हमें for each की जो कंडीशन है वो क्रिएट करनी होगी। हर एक ब्लॉक के लिए हम फिर से जो है कंडीशन क्रिएट करेंगे। सो हम इसे कॉपी और पेस्ट करते हैं एंड टाइम को सेव करते हैं। सो नाउ यहाँ पे जो है हमने x और y की सारी पोजीशन को एसेस कर लिया है एंड देन ग्रिड राउंड x इक्वल राउंड y एंड देन इक्वल टू चिल्ड्रेन एंड नाउ जो एड टू ग्रिड है हमें इसे जो है वैलिड मूव के अंदर असाइन करना होगा इस फंक्शन को। सो वैलिड टू ग्रिड को कॉपी करते हैं एंड अगेन जो है यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जो है हमें इसे असाइन करना है। सो जस्ट क्लिक हियर
एंड पेस्ट। वॉइड को हटा देते हैं, वॉइड हमें नहीं चाहिए, हमें ऐड टू ग्रिड जो फंक्शन है उसे कॉल करना है। सो उसके लिए हमने इसे जो है इस कंडीशन के अंदर डाला है इफ़ की। सो नाउ उसके लिए भी हमें जो बूलियन कंडीशन ट्रू और फॉल्स की क्रिएट की है इसके अंदर हमें इसका एक पार्ट ऐड करना है, वो ये है कि इफ़ ग्रिड राउंड एक्स राउंड वाई नॉट इक्वल टू नल। सो ये कंडीशन हमने जो है कोलिजन के लिए क्रिएट किया है कि सबसे पहले वो एक्स वाई की सारी पोजीशन को चेक करेगा, जैसे जैसे ब्लॉक्स नीचे आएंगे एंड जो आपकी ग्रिड है उस पर जब आपकी पोजीशन टच हो जाएगी, मतलब ग्रिड पे टच हो गई, तो मतलब उसके पास कोई वैल्यू है। तो बुलियन के अंदर जो हमने फंक्शन क्रिएट किया है नॉट इक्वल टू नल, मतलब ग्रिड पे कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी पोजीशन कोई भी ब्लॉक नहीं है, तो आपको फॉल्स देगा। अदरवाइज कोई है तो सिंपली आपको वैल्यू रिटर्न करेगा एंड अगेन आपको फंक्शन कॉल करेगा एंड जो कोलिजन का जो फंक्शन है वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा। सो अगेन यहाँ पे बैक आना है एंड हमें एक एरर मिला है। ओके सो यहाँ पे एक जो हमारा कर्ली ब्रैकेट है वो मिसिंग है, सो उसे भी लगा देते हैं। नाउ जस्ट सेव करते हैं एंड बैक आते हैं एंड प्रेस प्ले। तो आई गेस अब जो है हमारा ये परफेक्टली वर्क कर रहा होगा। सो यहाँ पे देख रहे हैं जब डाउन साइड जा रहा है एक्स वाई यही पोजीशन है, इसके अंदर चार ब्लॉक्स है तो उन सारी ब्लॉक्स की पोजीशन को ही एसेस करेगा। नाउ वो नीचे गया एंड जैसे ही पोजीशन वहाँ पे सेट हो गई तो सिंपली जो कोलिजन का जो है वो सिंपली फंक्शन वर्क करना शुरू कर गया। नाउ अब जो है इसके बाद ये एक के ऊपर एक अटैच होते जाएंगे, ये क्रॉस कोलाइड नहीं करेंगे, मतलब एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। ओके गाइस सो हमारा जो लास्ट 6th स्टेप है वो ये है कि जब हमारे ब्लॉक्स कोलाइड कर रहे हैं एंड एक लाइन बना रहे हैं, देन जब ये लाइन कंप्लीट हो जा रही है तब ये जो है लाइन डिस्ट्रॉय हो जाए एंड डिस्ट्रॉय होने के बाद जो अपर साइड के ब्लॉक्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली नीचे आते जाएं एंड देन फिल लाइन बने, फिर वो जो है डिस्ट्रॉय हो जाए एंड जो रिमेनिंग ब्लॉक्स हैं फिर वो नीचे आए एंड कॉन्टीन्यूसली जो है ये सीक्वेंस चलता रहे। वापस जाना होगा अपनी स्क्रिप्ट में एंड यहाँ पे हमें एक जो है फंक्शन क्रिएट करेंगे। सिंपली हम उस फंक्शन को नाम यहाँ पे देने वाले हैं चेक लाइंस का। सो एंड इस फंक्शन को चेक लाइंस को मैं कॉल करूँगी, कॉपी करना है एंड यहाँ पे ऐड टू ग्रिड के नीचे आपको इसे पेस्ट करना है। नाउ अब आपको यहाँ पे क्या करना है, चेक फॉर लाइंस के अंदर आपको एक फॉर लूप क्रिएट करना है। सो दैट यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है हाइट जो है आपकी गाइस वो है वाई और जो विड्थ है आपकी वो है एक्स, ठीक है। ओके गाइस सो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा फंक्शन क्रिएट किया है लाइन को चेक करने के लिए एंड यहाँ पे मैंने एक फॉर लूप लगाया है छोटा सा। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जो है ये पूरे लाइन को चेक करेगा टॉप टू बॉटम की कोई लाइन है कि नहीं है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे y इक्वल टू हाइट माइनस वन किया है एंड y की वैल्यू बड़ी होगी और बराबर होगी जब जीरो से, देन उसमें एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, उसमें एक वैल्यू जो है वो सिंपली आपकी घट दी जाएगी। देन ये लूप तब काम करेगा जब ये इफ कंडीशन जो है आपकी वर्क करेगी। तो इफ कंडीशन में मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है कि अगर टॉप टू बॉटम पहले तो चेक करेगा वो कि कोई लाइन है कि नहीं, इफ हैज़ लाइन और नॉट, अगर कोई लाइन है तो सिंपली वो उसे डिलीट कर देगा एंड बाकी की जो लाइन है वो कॉन्टीन्यूसली जो है नीचे की साइड फ्लो होती जाएंगी, बाकी का प्रोसेस वो कॉन्टिन्यू चलता रहेगा, उस पर कोई ब्रेक नहीं होगा। तो नाउ अब हमें जो हैज़ लाइन मतलब कोई लाइन है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए फिर से आपको यहाँ पे एक बूलियन जो है ट्रू और फॉल्स की मैं कंडीशन यहाँ पे क्रिएट फंक्शन क्रिएट कर रही हूँ। सो बूलियन तो यहाँ पे जब हैज़ लाइन को वो चेक करेगा तो कैसे चेक करेगा, तो उसके अंदर मैंने यहाँ पे ट्रू और फॉल्स की कंडीशन दे दी है। उसके अंदर मैंने सिंपली दिया है इंटीजर जे इंडेक्स वैल्यू जो है हमारी जे इक्वल टू ज़ीरो है एंड यहाँ पे मैंने दिया है कि जब जे की वैल्यू कम होगी विड्थ से, जो हमारी विड्थ है, विड्थ मतलब जो आपकी एक्स की वैल्यू है वो जो है सिंपली
वो ज़्यादा होगी एंड जे की वैल्यू कम होगी, देन उसमें जो है इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये लूप ऐसे चलेगा कि जब आप प्रेस प्ले करेंगे तो सबसे पहले ये चेक करेगा कि कोई लाइन है कि नहीं है। कोई लाइन अगर है तो सिंपली वो इस फंक्शन बूलियन फंक्शन के थ्रू चेक करेगा कोई लाइन है कि नहीं सिंपली, देन इसको ये वापस यहाँ पे मैसेज भेजेगा। अगर कोई लाइन नहीं है तो सिंपली जो है ये फॉल्स करेगा, एंड कोई लाइन है तो सिंपली उसको ट्रू करेगा एंड यहाँ पे कॉल करेगा डिलीट लाइन के लिए। तो नाउ अब हमें डिलीट लाइन के लिए एक फंक्शन को क्रिएट करना होगा। सो डिलीट कैसे वर्क करेगा कि सबसे पहले ये चेक करेगा कि कोई लाइन है, इसे पता चल गया, देन सिंपली वो जो लाइन है ग्रिड जे वाई जो सिंपली जो एक्स वाई जो आपकी ग्रिड है, ग्रिड हमने जो एक्स और वाई हाइट और विड्थ को लेके बनाया था 20 और 10, तो सिंपली वो उसमें जो भी गेम ऑब्जेक्ट आपके एक लाइन में टच रहेंगे पूरी सीध में, सिंपली उन्हें वो डिलीट कर देगा एंड जो ग्रिड की वैल्यू है आपकी जे और वाई की सिंपली उसको नल एज अ नल जो है वो असाइन कर देगा। देन अगेन फिर वो चेक करेगा लूप है कि नहीं है, देन मतलब ये फंक्शन जब कंप्लीट हो गया डिलीट कर दिया उसने, देन जो बाकी की रिमेनिंग रो है वो कॉन्टिन्यूसली अब नीचे आनी चाहिए, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सो नाउ उसके लिए हमें रो लाइन का अगेन एक फंक्शन क्रिएट करना होगा। सो जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। तो रो लाइन का फंक्शन का मतलब ये है डाउनवर्ड नीचे के साइड आनी चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन अलग से क्रिएट किया गया है कि अगर जो हाइट और विड्थ है आपकी वो नल नहीं है, उसकी वैल्यू नल नहीं है, मतलब हाइट और विड्थ मतलब कोई लाइन नहीं बन रही है, देन सिंपली वो क्या करेगा आपको आपकी वैल्यू में एक को माइनस कर देगा, सो दैट जो आपके हाइट में जो चिल्ड्रंस है जो स्क्वायर्स है जो रिमेनिंग है वो सिंपली आपको नीचे की तरफ यहाँ पे फॉल डाउन होगा एंड देन अगेन वापस से ये लूप जो है वो चलेगा एंड देन फिर अगेन वो चेक करेगा कोई लाइन है कि नहीं। कोई लाइन है तो सिंपली वो आपको डिलीट करेगा, देन रिमेनिंग स्क्वायर्स रिमेनिंग ब्लॉक्स जो स्क्वायर्स का कॉम्बिनेशन चार स्क्वायर्स का कॉम्बिनेशन बना के हमने डिफरेंट ब्लॉक्स क्रिएट किए हैं, तो उन स्क्वायर्स में से अगर वो तीन डिलीट हो जाते हैं एंड एक रिमेनिंग हो जाता है, देन वो उसके बाद नीचे के साइड जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो वैल्यू हमने ली है। सो ये हमने अपने लाइन चेक करने के लिए किया है। सो इसको अभी सेव करते हैं एंड बैक आते हैं एंड देखते हैं कि ये हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि हमें अगेन एक एरर मिल गया है। एरर मुझे बहुत पसंद है। सो इनको सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है। सो 106 लाइन में हमारा कुछ कॉलन का एरर है, तो 101 लाइन में ओके, तो यहाँ पे हमने जो है सेमी कलर नहीं लगाया, तो सिंपली अगेन इसे सेव करना है एंड बैक आना है कि अगेन हमारे पास एक एरर है एंड वो है हमारे वेक्टर का, वेक्टर 3 हमें यहाँ पे लिखना था। सो अगेन सेव करते हैं एंड बैक आते हैं। ओके सो परफेक्ट, जस्ट प्रेस प्ले। सो परफेक्ट गाइस, हमारा जो गेम है वो सिंपली काम कर रहा है, हमने सारी सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी है, परफेक्टली लेफ्ट राइट जा रहा है, अप्स की मूव करने पे रोटेट भी कर रहा है एंड कोलाइड भी कर रहा है एंड जैसे ही लाइन बन रही है उसे डिस्ट्रॉय भी कर रहा है। सो वेल डन गाइस, हमने बहुत अच्छा काम किया है। सो ये था हमारा 2D टेट्रिस गेम गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम इसे अपने एंड्रॉयड मोबाइल के लिए क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसमें UI कैसे ऐड करना है, वो बाकी सारी चीज़ें जो हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।